वह आज का ही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को कर्म का महत्व समझाते हुए गीता का अमर संदेश दिया। गीता के इसी संदेश को आम जन तक पहुंचाने और उन्हें कर्म की ओर अग्रसर करने के लिए प्रदेश भर में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में जागरूक किया गया। करनाल में भी गीता जयंती समारोह में समापन अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, इस वर्ष सरकार ने पूरे प्रदेश में पहले गीता जयंती का जो महोत्सव था वो केवल कुरुक्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन इस बार सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर इसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है गीता के प्रचार प्रसार के लिए। ये किया जा रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने उसका उपदेश दिया, तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो, विश्व के कल्याण के लिए गीता का प्रचार प्रसार हो, तो उसके लिए हमने पूरे जिले में इसका कार्यक्रम रखा गया है और काफी लोगों में बड़ा उत्साह है इसके पर, उसमें सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। और आज जैसा अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया भी है कि आज ही वो दिन है जिस दिन कभी पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। और जो करनाल से अजा टीवी न्यूज के लिए विजय कम्बोज की रिपोर्ट।